MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हमने पहले से एक वेडिंग बजट समरी टेबल बना रखी है। इसमें आपको तीन कॉलम्स दिखाई पड़ रहे हैं, कैटेगरी, एस्टिमेटेड और एक्चुअल। हमें ये देखना है कि एक्चुअल बजट वाले कॉलम में ₹1,000 से ऊपर कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, तो उसके लिए हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ब्लॉक में दिख रहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को क्लिक करें। ओपन हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हाईलाइट सेल्स रूल्स पर माउस ले जाएं। उस पर माउस ले जाते ही एक और मेन्यू ओपन होगा, इसमें ग्रेटर देन पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही ये एक छोटी विंडो ओपन हो गई है। हमें ये देखना है कि हमारे एक्चुअल खर्चे में ₹1,000 से ज्यादा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, इसलिए यहाँ हम 1000 टाइप करेंगे। जैसे हमने यहाँ 1000 टाइप किया, बैकग्राउंड में एक्चुअल बजट वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यू ₹1,000 से ज्यादा की हैं, वे हाईलाइट हो गई हैं। आप चाहें तो इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके इस मेन्यू में से कलर भी बदल सकते हैं। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ₹1,000 से ऊपर वाली वैल्यूज हाईलाइट हो गई हैं। इसी तरह से हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंतर्गत दिख रहे अन्य ऑप्शंस भी बता देते हैं। जैसे यदि आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम वैल्यू वाले सेल्स हाईलाइट करने हैं तो इस मेन्यू में से लेस देन चुनिए और फिर ओपन हुई छोटी विंडो में वो वैल्यू डाल दीजिए जिससे कम वैल्यू वाले सेल्स आपको हाईलाइट करने हैं। जैसे हमने डाला 500। तो अब ये देखिए एक्चुअल वाले कॉलम में 500 से कम जो भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई है। अगर आपको किसी दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच की वैल्यू वाली सेल्स हाईलाइट करनी है तो बिटवीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और अब यहां पर वो दो वैल्यू डाल दें जिसके बीच की वैल्यूज वाली सेल आपको हाईलाइट करनी है। हमने यहाँ पर 1000 और 1500 डाल दिया है। तो ये देखिए कॉलम में जो वैल्यूज इन दो वैल्यूज के बीच वाली हैं, वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढनी है तो उसके लिए इक्वल टू पर क्लिक करें और यहाँ पर वो वैल्यू डाल दें। ये वैल्यू डालते ही कॉलम में देखिए इसके बराबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। इसके बाद ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अगर आपको टेक्स्ट के अंदर कोई चीज ढूंढनी है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले टेक्स्ट वाला ये जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमको जो भी टेक्स्ट ढूंढना है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे हम कहाँ कहाँ पर गिफ्ट है ये ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये टाइप किया और इसको टाइप करते देखिए कॉलम में जहां पर गिफ्ट्स लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो गया है। हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर ही अगला ऑप्शन है, कोई अगर हमको डेट ढूंढनी है तो उसके लिए हम अ डेट ऑकरिंग ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसको समझने के लिए यहां पर हम एक कॉलम में डेट ऐड कर रहे हैं। ये हमने एक डेट का कॉलम इसमें जोड़ दिया है। अब हम अ डेट ऑकरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस्टरडे ऑप्शन सिलेक्टेड है तो यहाँ पर कल जो डेट थी वो हाईलाइट हो गई है। अगर हम ड्रॉप डाउन एरो से टुडे सिलेक्ट करेंगे तो ये आज की डेट हाईलाइट हो गई। इसी तरह से अगर हम टुमारो सिलेक्ट करेंगे तो आने वाले कल की डेट हाईलाइट हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट वीक सिलेक्ट करते हैं तो अगले हफ्ते की पूरी जो डेट्स हैं वो हाईलाइट हो गई है।
इसी तरह से अगर आपको सारी वैल्यूज में से डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही ये देखिए जो भी एक सरी की वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। हाईलाइट सेल्स रूल्स के बाद अगला ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम रूल्स। इसके ऑप्शंस की सहायता से आप टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, अबव एवरेज, बिलो एवरेज इत्यादि आइटम्स हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत तीसरा ऑप्शन है डेटा बार्स। इस पर माउस ले जाने पर एक और मेन्यू ओपन होगा। इनमें से यदि आप कोई ऑप्शन चुनते हैं तो सिलेक्टेड कॉलम में सेल्स पर उनमें फिल्ड वैल्यू के अनुसार बार्स बन जाएंगे। इनमें अलग अलग कलर की बार्स हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर चुन सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का चौथा ऑप्शन है कलर स्केल्स। इसकी सहायता से सिलेक्टेड कॉलम के सेल्स में उनकी वैल्यू के अनुसार अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। देखिए जैसे हमने ग्रीन येलो रेड स्केल चुना, ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू का कलर ग्रीन हो गया है, सबसे छोटी वैल्यू का कलर रेड हो गया है, बाकी सेल्स में उनकी वैल्यू के अनुसार येलो के अलग अलग शेड्स आ गए हैं। अगला ऑप्शन देखने के पहले हम इस कॉलम को वापस नॉर्मल कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पांचवा ऑप्शन है आइकन सेट। इसमें अलग अलग तरह के आइकन्स हैं। इस मेन्यू में से हम ये ऑप्शन चुनते हैं तो देखिए इस कॉलम में वैल्यूज के सामने एरोज लग गए हैं। अब इसमें इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये उन्हीं को कंपेयर करके एरोज यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ग्रीन एरो लगा हुआ है, और चूंकि बाकी सभी जो वैल्यूज हैं वो इस वैल्यू से काफी छोटी हैं, इसलिए इनमें सब में डाउनवर्ड रेड एरोज लग गए हैं। अगर इसमें मीडियम लेवल की कोई वैल्यू होती तो फिर एरो अलग हो जाता। मान लीजिए इस वैल्यू को हम चेंज करके 4500 कर देते हैं। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एरो चेंज हो गया है और ये आड़ा एरो लग गया है, इसका कलर भी बदल गया है। अब सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसमें ग्रीन अपवर्ड एरो लगा है, जो मीडियम वैल्यू है उसमें आड़ा येलो एरो लगा है, और उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें सब में डाउनवर्ड रेड एरोस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स ऑप्शन की सहायता से आप सभी रोज या कॉलम्स की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। क्लियर रूल्स ऑप्शन पर माउस ले जाने पर एक और मेन्यू ओपन हो जाता है। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स की सहायता से आप किसी भी सिलेक्टेड सेल या रो या फिर कॉलम की या पूरे डेटा की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं, और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट की सहायता से आप पूरी शीट की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। उसी तरह से और दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। हमें हमारे ये सिलेक्टेड कॉलम की फॉर्मेटिंग हटानी है तो उसके लिए हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सिलेक्टेड कॉलम की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।